दबाण हटावाना मुद्दे विपक्षी नेता चिनन गांधी और भाजपी काउंसिलर प्रफुल गिरी गोस्वामी वच्चे चड़पट। दबाण हटावानी कामगिरी विपक्षी नेता अटकावशे तो कांग्रेस में जोड़ावानी जाहेरात करता प्रफुल गिरी गोस्वामी। बैंक ऑफ बड़ौदा की चूंटी में पारदर्शकता जलवाई के हेतु की नवजीवन सेवा समिति द्वारा मांडवी खाते पोस्टर प्रदर्शन। मोतीबाग मैदान खाते बड़ौदा ने बंगाल वच्चे की रणजी ट्रॉफी मैच में बड़ौदा की टीम 284 रन में तंगी भेगी। जिला पंचायत में विरोध पक्ष ने एक वर्ष बाद निमणो। विरोध पक्ष नेता तरीके रणजीत सिंह राठवानी मतदान चार तरफ की शुभकामना निवर्षा। हवे जे समाचार विगतवार। शहरना कलाली फाटक पासेना सर्वोदय नगर में दबाणना मुद्दे मंगलवारे रात्रे स्थानिको साथे चर्चा करवा माटे गयेला विपक्षी नेता साथे भाजपी कोर्पोरेटर ने चड़पट थता मामलो गरमायो हतो। दारूना नशा में आवेला कोर्पोरेटरे लोकोने धाक धमकी आपी होवाना आक्षेप साथे विपक्षी नेताए पुलिस मथक में रजूआत करी हती। बीजी तरफ विपक्षी नेता लोकोने गैरमार्गे दौड़ता होई लोकोने समझावा गया होवानी कोर्पोरेटरे दलील करी छे। कलाली फाटक पासेना सर्वोदय नगरना झूपड़ाना दबाण दूर करवानी हिलचालना पगले विपक्षी नेता चिन्नम गांधी मंगलवारे रात्रे स्थानिकोने मळवा गया हता। तेओ लोकोने वैकल्पिक जग्या मेळववा माटेनो तत्तो तैयार करता हता। दरम्यान भाजपी कोर्पोरेटर प्रफुल गिरी गोस्वामी 6 जेटला कार्यकरो साथे दसी आव्या हता, ज्यां बन्ने वच्चे चळवळ थता मामलो पोलीस मथके पहोंच्यो हतो। बैंक ऑफ बड़ौदा की आवतीकाले डिरेक्टर माटेनी योजनारी चूंटणी में पारदर्शकता जळवाय ते हेतुथी आज नवजीवन सेवा समिति द्वारा मांडवी बैंक ऑफ बड़ौदा खाते पोस्टर प्रदर्शन कर्युं हतुं। बैंक ऑफ बड़ौदा में डिरेक्टर नुं वारसागत मळे अने तेना करता उच्च शिक्षण पर प्राप्त करेली व्यक्ति ने मळे तो वहीवट में सुधारो थाय। बीजू राजकारणीओने हस्तक्षेप ने कारणे तेमना मळतियाओने तात्कालिक धोरणे लोन मळती जती होवाना कारणे ए आक्षेप नवजीवन सेवा समिति द्वारा करवामां आव्यो हतो। भ्रष्टाचारनुं मोकळुं मैदान बनी गयेल बैंक ऑफ बड़ौदाना वहीवटने सुधारा माटे जनलोकपाल अनिवार्य होवानुं तेमणे उमेर्युं हतुं। मोतीबाग मैदान खाते बड़ौदा अने बंगाळ वच्चे रमाती रणजी ट्रॉफी मैचमां बड़ौदानी टीम 284 रनमां तंबू भेगी थई गई हती, ज्यारे बंगाळनी टीम द्वारा धुआधार बेटिंग कराता दिवसना अंत सुधी 4 विकेट गुमावी 264 रन कर्या हता। क्रिकेटर सौरव गांगुलीए धुआंधार बैटिंग करता 61 रन फटकार्या हता, परंतु ते इजाग्रस्त थता चाहको में निराशा व्यापी गई हती। जिला पंचायत में छेल्ला एक वर्षथी खाली पड़ेली विरोध पक्षनी जग्याने आजे निमणूक कराता चारे तरफथी अभिनंदननी वर्षा थई हती। जिला पंचायतना विरोध पक्ष तरीके आजे रणजीत सिंह राठवा, उपनेता तरीके दिलीप भट्ट तथा दंडक तरीके नटुभाई पडियारनी वरणी थता कांग्रेस पक्ष द्वारा तेमना पर अभिनंदननी वर्षा थई हती। वडोदरा शहर बार एसोसिएशन ने आवतीकाले योजाना चूंटणीना अंतिम दिवसे उम्मीदवारों द्वारा प्रचार जोरशोर में रह्यो हतो। चूंटणीमां विजय माटे दरेक उम्मीदवारोए दावेदारी नोंधावी हती। महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटीनी कॉमर्स फेकल्टी द्वारा यूथ फेस्टिवल सयाजी उत्सव 2011-12 नुं आज रोजथी 30 डिसेम्बर सुधी आयोजन करवामां आव्युं हतुं। આજે સવારે 8:30 વાગે કોમર્સ ફેકલ્ટીના મેઇન બિલ્ડિંગ ખાતે સમરજીત સિંહ ગાયકવાડના હસ્તે સયાજી ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। સર સયાજીરાવ મહારાજના 150માં જન્મજયંતિની ઉજવણી ચાલી રહી છે ત્યારે યુથ ફેસ્ટિવલને સયાજી ઉત્સવ નામ આપ્યું છે। આજ રોજ સયાજી પાલખી અને મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપરાંત દીપ બિલ્ડિંગના એસેમ્બલી હોલ ખાતે સયાજીરાવ ગાયકવાડના જીવન આધારિત પ્રેઝન્ટેશન યોજાયું હતું। क्षत्रिय युवक संघ स्थापना दिवस की उजवणी समारोह नो आयोजन माननीय संघ प्रमुख क्षत्रिय समाज भगवान सिंहजी की उपस्थिति में आज रोज सौराष्ट्र कच्छ राजपूत एसोसिएशन वडोदरा तथा वडोदरा राजपूत युवा एसोसिएशन संयुक्त उपक्रमे योजवामां आव्यो हतो। मकरपुरा स्थित वॉल्टेम कंपनी सामे राजपूत भवन में योजवामां आवेला आ समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, गुजरात राज्य पंचना उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंहजी चुड़ासमा तथा राज्यसभा सांसद भरत सिंहजी परमार खास उपस्थित रहा था। विचार क्रांति अभियान प्रणेता युग ऋषि तपोनिष्ठ वेद मूर्ति परम पूज्य पंडित श्रीराम आचार्य शर्मा तथा वंदनीय माता भगवती देवी असीम कृपा थी गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार प्रेरित संतों की उपस्थिति में समासावली रोड स्थित रिया रेवती पार्टी प्लॉट खाते 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ नुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं।
જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ હાજરી આપી હતી। શહેર પોલીસ તંત્રના આબરૂના લીરે લીરા ઉડાડતી તસ્કર ટોળકીના આતંક સામે પોલીસ તંત્ર ઘૂંટણે પડી ગઈ હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે। શહેરના નિઝામપુરા વિસ્તારમાં આવેલા સેન્ટ્રલ પાર્કમાં રહેતા સતીશભાઈ શાહની પત્નીનું ઓપરેશન થયું હોવાથી તે પિયરમાં રહેવા ગયા હતા। ગતરોજ સતીશભાઈ તેમની સાસરીમાં ગયા ત્યારે તેમના બંધ મકાનને નિશાન બનાવીને તસ્કરોએ મકાનના તાળા તોડીને 2 તોલા સોનાનું અને ચાંદીના વાસણો તથા રોકડા રૂપિયા 5,000 સહિત કુલ 40,000ની ચોરી કરી તસ્કરો પલાયન થઈ ગયા હતા। બનાવ અંગે ફતેગંજ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે અજાણ્યા તસ્કરોને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। નવા વર્ષની ભવ્ય ઉજવણી માટે 8 દિવસ અગાઉથી શહેરમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઠલવાઈ રહ્યો છે ત્યારે શહેર પોલીસે બુટલેગરો સામે લાલ આંખ કરતા બુટલેગરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે। વાડી પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે આજે લાડવાડ મોટી ખડકી ખાતે રહેતા નિશાંત ઉર્ફે ગોટિયાના ઘરે દરોડો પાડીને રૂપિયા 26,850 ની કિંમતના 82 નંગ વિદેશી દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો હતો, જ્યારે આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો। આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। તાજા સમાચાર માટે આવતીકાલે આ સમયે ફરી મુલાકાત થશે। ત્યાં સુધી DNTV ની સમગ્ર ટીમને રજા આપશો। નમસ્કાર।